એસ્કોર્ટ્સના રિઝલ્ટ્સ આવ્યા હતા અને કંપનીના સીએફઓ ભરત મદાન જોડાઈ ગયા છે. સર ગુડ મોર્નિંગ, ધન્યવાદ વક્ત નિકાલને કે લીધે. સર સબસે પહેલે તો સર સમજના ચાહેંગે સર રિઝલ્ટ્સ કિસ તરહ સે રહે હૈ ઓર યે ક્વાર્ટર મેં ક્યા ચેલેન્જીસ આપને ફેસ કી. अरे ये क्वार्टर में अगर आप देखें तो आई थिंक अक्रॉस ऑल थ्री सेगमेंट जो हमारे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर बिजनेस हो या कंस्ट्रक्शन का रेल, अरे तीनों बिजनेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. अरे जो ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है हमारी, आई थिंक ये क्वार्टर जो था हमारा आई थिंक बेस्ट क्वार्टर था, टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों के क्वार्टर भी थे. सो ओवरऑल थोड़ा चैलेंज हमारा रहा था, थोड़ा कॉमोडिटी प्राइजेस थे क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा प्राइस इंक्रीज हमने किया और थोड़ा फैसिलिटी क्लेम की बात कर जिसका इंक्रीज मार्जिन पर थोड़ा देखने को मिल रहा है. बट जो आगे जाके हमें लगता है कि वापस करेक्ट हो जाएगा और भी आगे तो कॉमेडी सारी कभी कोई सॉफ्टवेयर होते ही नजर आ रहे हैं, तो इसलिए वो वाला प्रेशर जो अभी तक था इन्फ्लेशन का वो आगे जाके हमें लगता है कि करेक्ट हो जाएगा. ओवरऑल हमारी मार्जिन की जो गाइडेंस थी वो हम इसको मेंटेन कर पाएंगे. ओके सर, अभी आने वाले इनफैक्ट जो फोर्थ क्वार्टर रहेगा वो कैसा लग रहा है सर, क्योंकि अक्रॉस द इंडस्ट्री हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट स्लो होता हुआ नजर आ रहा है. सर आपका क्या ठीक है? फोर्थ क्वार्टर से आई थिंक आप शुरू से देखें तो हमारी गाइडेंस थोड़ी सॉफ्ट क्वार्टर की रही है. जो फोर्थ क्वार्टर में ऑलरेडी ग्रोथ बहुत हाई है हमारा, जो पिछले साल में हमारी ऑलमोस्ट 49% की इंडस्ट्री ग्रोथ हुई थी फोर्थ क्वार्टर के अंदर. तो जो हमारा ओवरऑल गाइडेंस जो हमने अभी करेक्ट भी दिया फुल ईयर की, वो इसलिए नहीं है कि हमें Q4 की सरप्राइज लग रहा है, जो कि क्योंकि थर्ड क्वार्टर जो हम उम्मीद कर रहे थे कि इंडस्ट्री काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो हमें अभी भी 25-30% की ग्रोथ होगी. वो फेस्टिव सीजन थोड़ा सॉफ्ट है और उसकी वजह से इंडस्ट्री ग्रोथ जो है थोड़ी 19% की हुई है. तो उस वजह से हमारी फुल ईयर की जो गाइडेंस है हमने थोड़ी करेक्ट की है. बट अदरवाइज गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ हमें नहीं लगता कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री की ऐसा मेजर इश्यू आने वाला है. यानी आने वाले 6 महीने लग रहा है कि इनफैक्ट आने वाले 2 क्वार्टर एक लंपी रहेंगे अर्निंग्स के लिए. तो आई थिंक Q4 कोई वन ऑफ करेक्शन है जो हाई बेस, बट हमें लगता है कि Q1 में आ गया तो हमें 10-15% की ग्रोथ देखने को मिलेगी ट्रैक्टर से. ओके, और साथ ही साथ एक और पर्सपेक्टिव ये समझना चाहेंगे, अगर ये सॉफ्टनेस आप देख रहे हो तो मार्जिन्स के फ्रंट पे क्या ट्रैजेक्टरी बन रही है, क्योंकि जो प्राइस हाइक होंगे तो बियॉन्ड अ पॉइंट आप पास ऑन भी नहीं कर पाएंगे वरना वो डिमांड को इम्पैक्ट करेगा. तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी कॉमोडिटी प्राइस का जो प्रेशर था वो अब सॉफ्ट होता नजर आ रहा है, तो इसलिए हमें इन्फ्लेशन का इतना कंसर्न नहीं लगता है. इसमें आपको प्राइस इंक्रीज पास ऑन करने की जरूरत पड़ेगी, कारण जितना भी अभी तक हमारा मटेरियल कॉस्ट का इंक्रीजेस था वो अभी तक हमने सारा मार्केट को पास ऑन कर दिया. तो हमें नहीं लगता कि आगे जाके हमें मार्जिन पे इतना प्रेशर देखने को मिलेगा. हाँ, अगर इंडस्ट्री थोड़ा सॉफ्ट होती है तो थोड़ा जो प्रेशर है प्राइसिंग का या डिस्काउंटिंग का वो थोड़ा बढ़ जाता है, कंपटीशन इंडस्ट्री भी थोड़ी बढ़ जाती है, तो वो जरूर थोड़ा देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में. बिकॉज एवरीबॉडी विल बी ट्राइंग टू बेटर देयर परफॉर्मेंस ओवर लास्ट ईयर, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्काउंटिंग का इफेक्ट आ सकता है. बट अदरवाइज हमें नहीं लगता कि मार्जिन पे ओवरऑल फ्रॉम एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मेजर इश्यू आएगा. कूल, ओके सर. सर ठीक है, और एक आखिरी प्रश्न मेरे और से ये भी होगा, ट्रेजेक्टरी आपने बताया कहीं ना कहीं डिमांड एनवायरनमेंट सॉफ्ट रहेगा, मार्जिन्स में आपने बताया पास ऑन कर पाएंगे सर, सर तो फिर बजट भी काफ़ी इनफैक्ट आता हुआ नज़र आएगा ये हफ्ते में. सर क्या लग रहा है, क्योंकि आप हर एक लेवल के लोगों से इंटरेक्ट करते हो फ्रॉम ग्रास रूट लेवल टू टॉप लेवल, सर क्या लग रहा है सर, क्या डिमांड्स आप एज ए इंडस्ट्री आपकी है और सरकारों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए रूरल या फिर एग्रीकल्चर को और सपोर्ट करने के लिए? आई थिंक कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे अभी फॉर्म सेक्टर में हमें स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, जैसे कुछ पॉकेट महाराष्ट्र में है या कुछ पॉकेट MP में है या कुछ राजस्थान में है या कुछ कर्नाटका में है. तो कुछ बेल्ट हैं स्पेशली साउथ और वेस्टर्न इंडिया की जहाँ पे डिपेंडेंस जो है इरीगेशन के लिए रेन वाटर पे बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे इस बार अच्छा बारिश नहीं हुई विंटर सीजन में भी, तो उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस वहाँ पे है जहाँ पे थोड़ा ड्राउट लाइक सिचुएशन है. तो हमें भी उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा फार्मर्स का स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ रिलीफ पैकेज उनको देती है तो उसका ओवरऑल इंडस्ट्री में पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा. तो किसी भी फॉर्म में रिलीफ हो सकता है, एज लॉन्ग एज फार्मर्स के हाथ में परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है तो वो फॉर्म सेक्टर के लिए पॉजिटिव ही रहेगा. ठीक है सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी हमसे चुनने के लिए सर और सारी जानकारी देने के लिए. पहले एस्कॉर्ट्स कसने कैसे एक वर्ष रेवेन्यू गाइडेंस घटाड़ी विषय कारण के ओवरऑल जो आप जो है तो लंपी क्वार्टर रहो छे अने जो वॉल्यूम्स छे तेमा पण आपणे एटलो मोटो आपणे उछाळो जोयो नथी. हवे आप एक विराम लई लो, त्यारबाद आपणे आज मिडकैप पर शो नजर करीशुं.